हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में आने वाली स्टोरी राइटिंग, स्टोरी को किस प्रकार लिखें और कैसे याद करें। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है, राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, असाइन ए सूटेबल टाइटल एंड मोरल टू इट। हमें दोस्तों एक ए बी एंड ए डव, एक मधुमक्खी और एक कबूतर के बारे में एक कहानी का आउटलाइंस दे रखी है। इसे सबसे पहले हम रीड करते हैं और फिर हम स्टोरी लिखेंगे। ए बी फॉल्स इनटू ए रिवर, लाइफ इन डेंजर ए डव ग्रेटली मूव्ड, ड्रॉप्स ए लीफ बी राइट्स Saved later on, a hunter aims his gun, kill the dove, dove unwired, bee flies to the hunter, stings, gun goes off, a missed, loud sound, dove flies off, saved। तो दोस्तों, यह एक आउटलाइंस थी। इसको रीड करके हमें एक कहानी लिखनी है। दोस्तों, हम सीखते हैं कहानी लिखना। There was a bee, एक मधुमक्खी थी। वन डे इट वॉज थर्स्टी, एक दिन प्यासी थी। इट वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, वह पानी पीने के लिए एक नदी के पास गई। इट फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गई। इट्स लाइफ वॉज इन डेंजर, इसकी जान को खतरा था। देयर वॉज ए ट्री नियर द रिवर, नदी के पास एक पेड़ था। द डव वाज सीटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ दैट ट्री, कबूतर पेड़ की शाखा पर बैठा था। इट सॉ द बी, उसने मधुमक्खी को देखा। इट ड्रॉप्ड ए लीफ नियर द बी, उसने मधुमक्खी के पास एक पत्ता गिरा दिया। द बी केम ऑन द लीफ एंड फ्लू अवे, मधुमक्खी पत्ती पर आई और उड़ गई। द डव सेव्ड इट्स लाइफ, कबूतर ने उसकी जान बचाई। आफ्टर सम डे द सेम डव वॉज सीटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, कुछ दिनों बाद वही कबूतर एक पेड़ की डाल पर बैठा था। ए हंटर सा द डव, एक शिकारी ने कबूतर को देखा। He aimed at the dove, उसने कबूतर को निशाना बनाया। The bee saw it, मधुमक्खी ने देखा। It flew and stung on his hand, उसने शिकारी के हाथ पर डंक मार दिया। The hunter missed the aim, शिकारी लक्ष्य से चूक गया। The gun went off, there was a loud sound, बंदूक की तेज आवाज आई। द डव फ्लू ऑफ, और कबूतर उड़ गया। द बी सेव्ड द लाइफ ऑफ द डव, इस प्रकार मधुमक्खी ने कबूतर की जान बचाई। मोर डू गुड एंड हैव गुड, अच्छा करो तो अच्छा होगा। दोस्तों, यह इस कहानी की सीख है, डू गुड एंड हैव गुड। दोस्तों, यह थी स्टोरी। दोस्तों, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी कुछ अन्य स्टोरियाँ भी आप रीड कर सकते हैं और उनकी वीडियो देख सकते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको सीखने के लिए मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।